नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिखाऊंगी आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल से खरीदे हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला प्रोडक्ट ये 3 ग्लास जार्स का सेट है। आई थॉट कि मैं इसे अपने होल स्पाइसेस स्टोर करने के लिए यूज़ करूंगी, बट इसे ओपन एंड क्लोज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सो आई एंडेड अप रिटर्निंग इट बिकॉज ऑफ क्वालिटी इशूज। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स है। इसे यूजली फर्स्ट एड बॉक्स की तरह यूज़ करते हैं, बट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फर्स्ट एड बॉक्स है तो मैं इसमें अपने मिसलिनियस आइटम्स को रखूंगी जो यूजली इधर उधर पड़े रहते हैं एंड ज़रूरत पड़ने पर खो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कलर्स खो जाते हैं, तो जब भी मेरा मन होता है पेंट करने का तो कभी भी मुझे मेरे कलर्स नहीं मिलते। आई एम होपिंग टू पेंट मोर ऑफन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग देम हियर। अगला प्रोडक्ट ये ब्लैक कलर की बॉटल है। इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर है। वैसे तो ये एक मल्टीपर्पज़ बॉटल है, बट मैंने इसे अपना वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए लिया है। इसके साथ एक प्रोटीन शेकर भी आता है विच यू कैन यूज़ टू मेक प्रोटीन ड्रिंक्स एज वेल। अब मैं जो ओपन कर रही हूँ वो एक हैंड प्रेस जूसर है। मैं बहुत टाइम से एक अच्छे जूसर के लुकआउट में थी। इलेक्ट्रिक जूसर्स में काफ़ी वेस्ट हो जाता है एंड जूस भी कम निकलता है। मैंने 4 मौसम्बी का जूस निकालने का ट्राई किया इसको टेस्ट करने के लिए। आई फाउंड इट ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू क्लीन कम्पेयर टू अदर जूसर्स। अब मैं अनबॉक्स कर रही हूँ एक बास्केट ट्रॉली किचन ऑर्गेनाइज़र। इसकी पैकेजिंग काफ़ी ख़राब थी, साइड से तो इसका बॉक्स एकदम फटा हुआ था, बट एटलीस्ट द प्रोडक्ट वॉज इंटैक्ट। सिंस आई हैव लिमिटेड स्टोरेज स्पेस इन किचन एंड आई लव बाइंग सिरेमिक्स एंड ग्लासवेयर, तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस ट्रॉली को परचेज किया है। मैं काफ़ी टाइम से इस प्लांट स्टैंड को फ्लिपकार्ट पर देख रही थी, बट आई वॉजंट श्योर अबाउट इट्स साइज। मैंने फाइनली इसे खरीद लिया एंड आई मस्ट से आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। इसका साइज देखकर मुझे वैसे तो डर लग रहा था कि बड़ा वाला पॉट रखने पर कहीं ये टूट ना जाए, बट सो फार सो गुड। कुकिंग करते हुए कुछ चीज़ें बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं लाइक सॉल्ट एंड स्पाइसेस, सो आई बॉट दिस ऑर्गेनाइज़र उन्हें काउंटर टॉप पर रखने के लिए। काफ़ी स्लीक एंड कॉम्पैक्ट लुक है इसका, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, बिकॉज ऑलरेडी मेरे काउंटर टॉप पर बहुत ही कम स्पेस है। नाउ दिस इज समथिंग जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। रिसेंटली मुझे कोकोनट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, सो आई ट्राइड दिस कोकोनट स्क्रेपर। टू बी ऑनेस्ट इसे यूज़ करना थोड़ा सा टफ लगा मुझे, बट आई एम स्टिल कीपिंग इट बिकॉज इट गेट्स द जॉब डन। I'm starting to organize my fridge
वन शेल्फ एट टाइम. एनी वेज आई वॉज एक्सपेक्टिंग द साइज टू बी लिटिल बिट बिगर बट आई थिंक दिस विल ऑल्सो वर्क. आई बाई अ लॉट ऑफ बटर तो फर्स्ट बॉक्स में मैं बटर और चीज़ स्टोर करूँगी. अभी मेरे पास चीज़ नहीं है तो आई एम जस्ट कीपिंग बटर इन दिस. नेक्स्ट बॉक्स में मैंने ग्रीन चिलीज लेमन और गार्लिक को स्टोर किया है. नेक्स्ट बॉक्स में मैं टमाटर स्टोर कर रही हूँ. वैसे तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं बट अभी ख़त्म हो गए हैं. लास्ट वाले में मैं एग स्टोर करूँगी. इनिशियली आई वॉज गोइंग टू बाई एन एग ट्रे बट मैं इतने एग्स यूज़ नहीं करती तो मेरे को लगता है कि छोटे में काम हो जाएगा. आई जस्ट लव द लुक ऑफ ग्लास कंटेनर्स और मुझे ये बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल गए. आई गॉट दीज 4 जार्स ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी एट जस्ट 240 रुपीज. इन सारे जार्स में मैं अपने सारे फ्रिक्वेंटली यूज आइटम्स रख दूँगी जैसे कि मेरी सिवई मुझे बहुत पसंद है. ब्लैक चना मैं ट्राई कर रही हूँ ज़्यादा यूज़ करने का तो इसे भी मैं एकदम सामने शेल्फ पर रख दूँगी ताकि मुझे दिखता रहेगा. तीसरा फ्लैक्स लड्डूस जो मैं ट्राई करती हूँ खाने का फ्लैक्स सीड्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपनी डाइट में. एंड देन दिस इज खटाई. तो खटाई तो हर चीज़ में डलती है दाल एंड सांभर एवरीथिंग. नेक्स्ट मैंने ये ऑयल बॉटल्स भी मंगा ली. वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी थी बट जो भी मेरे घर आता है वो तोड़ देता है और फिर मुझे दोबारा बार बार खरीदनी पड़ती है. बहुत सस्ते भी मिल रही थी सो आई एंडेड अप बाइंग देम एज़ वेल. मैंने जो नाइफ लिया था उसकी शार्पनेस थोड़ी सी डल हो गई है सो आई बॉट दिस नाइफ शार्पनर. पहले तो मुझे बहुत डर लगा था इसको यूज़ करने में फिर मेरा नाइफ कट ना जाए टूट ना जाए बट इट वॉज ओके इट वॉज फाइन. नेक्स्ट मैंने पानी की बॉटल्स मंगाई हैं. मेरे पास ख़त्म हो गई थी या तो ख़राब हो गई थी और इनका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था. Now I wanted something to fry eggs in उसकी सर्कुलर शेप मेंटेन करने के लिए बट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी एंड इट लुक लाइक अ यूज्ड प्रोडक्ट सो आई जस्ट रिटर्न्ड इट. नेक्स्ट इज दिस अप्पम मेकर. टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक लाइफ में कभी अप्पम नहीं खाए क्योंकि मेरे घर में इतने बनते नहीं थे बट आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई ट्राइड दिस एंड दे टर्न्ड आउट रियली गुड. फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने मंगा लिया अपने लिए एक नाइट लैम्प. मैं बहुत टाइम से इसको लेना चाहती थी बट आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द सेल एंड आई गॉट दिस फॉर जस्ट 400 रुपीज़. यस आई एम सो हैप्पी.